वंदे मातर मित्रों, शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो, लाल किताब क्या कहती है, बात आज इस विषय पर। शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो तो विद्या में रुकावटें आती हैं। शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो, पिता के सुख में कमी होती है। शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो, विवाह में देरी होती है। शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो, धन संपत्ति की हानि होती है। शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो, कन्या संतानें अधिक होती हैं, पुत्र संतान कम होती है। शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो और गुरु खाना नंबर 12 में बैठा हो तो ऐसे शुक्र का प्रभाव और भी अशुभ हो जाता है। शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो और शुक्र के शत्रु ग्रह खाना नंबर 7 में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मति भ्रम का शिकार रहता है और लड़ाई झगड़ों आदि से परेशान रहता है। शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो और शुक्र के साथ खाना नंबर 6 में सूर्य भी बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बदनामियां झेलनी पड़ती हैं। जिन मेरे मित्रों का शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को चांदी की एक ठोस गोली बनवाकर अपनी जेब में हमेशा रखनी चाहिए। इससे शुक्र खाना नंबर 6 के सभी अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए तो इससे शुक्र खाना नंबर 6 के सभी अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को जरूरतमंद वृद्ध स्त्रियों को दान और वृद्ध स्त्रियों की सहायता यदि करता है ऐसा व्यक्ति तो खाना नंबर 6 में बैठे शुक्र के सभी अशुभ प्रभाव शांत रहते हैं। अच्छा मित्रों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।